करने लायक हो ना मुलाकात करने। निशा, निशा बाहर निकलो यहाँ से, ऐसे गिर आओ। ये क्या कर रही हो निशा? मेरा नाम जपने से तुम बहादुर नहीं बन जाओगे अर्जुन दीक्षित। तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ नदी में कूदने के लिए है, इज्जत बचाने के लिए नहीं। थू है तुम पर। निशा, वो दो कौड़ी का गुंडा मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था और तुम उन बुजदिलों की तरह खामोश खड़े थे जो दूसरों की मर्दानगी के पीछे अपनी नामर्दगी का मजा लेते हैं। निशा, तुम जैसे कार को अपनाने से तो अच्छा होगा मैं उस गुंडे की रखेल बन जाऊं। अगली बार ये हाथ किसी मर्द पर उठाना। इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा ये स्वीकार करने आया कि उसने निशा के साथ ना तो सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसे अगवा करने का प्रयत्न भी किया। संजय बाबू, ये आपके साथ मारपीट करके कहीं जबरदस्ती तो कबूल नहीं करवा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आप लोग अब भी इसे बचाना चाहते हैं जो इस शहर की इज्जत को जब चाहे तब रौंदता है? आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। मैडम क्या है वो? आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं मंत्री जी के पास जाऊंगी। माफ करना संजय बाबू, ये हमारी नौकरी का सवाल है, आइए। अबे अबे ओ थानेदार, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे बंद करेगा तू? साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सब संभाल लूंगा। बलन सिंह सेल साफ कर दो। छोड़ मुझे, अबे छोड़। क्या देख रहे हो अर्जुन? शास्त्र उठाने वाले हाथ आज शस्त्र बन गए। ये नेक काम तो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। अन्याय के खिलाफ हाथ उठाना न्याय है। हाँ तुम ठीक कह रही हो निशा, पर इस युद्ध का अंत क्या होगा? युद्ध का सिर्फ आरंभ होता है अर्जुन, जो हो चुका है। हार होगी या जीत ये कोई नहीं जानता। अब तुम्हारा कर्म और धर्म सिर्फ इस युद्ध को लड़ना है। निशा, इस युद्ध में तुम मेरे साथ हो ना? मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ अर्जुन, जिंदगी भर। माँ, वो सरामजादे की वजह से मुझे एक रात हवालात में गुजारनी पड़ी। माँ, प्रोफेसर दीक्षित को यूनिवर्सिटी से निकाल दो, नौकरी छीन लो उस साले की। बकवास बंद करो। प्रोफेसर दीक्षित ने अगर तुम्हारा भाड़ा फोड़ दिया तो उसकी सजा तुम भुगतो। लेकिन मेरी बात तो सुनो माँ। संजय, एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, अगर भविष्य में तुम्हारी कोई शिकायत मेरे पास आई तो मैं तुम्हें कानूनी तौर पर इस परिवार से बेदखल कर दूंगी। शुक्ला, अपने आदमियों से कहो कि हथियार गाड़ी में डालें। चल, गाड़ी चला बे। चल, गाड़ी चला बे। प्रलय। Yeah!
शर्मा मुझसे माफी मांगने आया था, पर अर्जुन दीक्षित ने उस पर तलवार से वार किया और उसे मार डाला। अरेस्ट हिम। पर मैं सोचता हूं एक बार अर्जुन से